नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट में। तो देखिए, जो सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यू चल रहे थे, आज उसका ये नया पार्ट है जिसमें हम देखेंगे विगत वर्षों के कुछ एग्जाम पेपर हुए हैं। जैसे इसमें आज आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे गए हिंदी के क्वेश्चन हैं इसमें। जैसे मैं बात करूँ उत्तर प्रदेश कनिष्ठ सहायक या उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत अधिकारी, ठीक है, या राजस्थान पटवारी, इन सभी में पूछे गए जो हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं वो आज इस वीडियो में इंक्लूड किए गए हैं। तो आपको करना क्या है, शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखनी है, क्योंकि स्किप करके देखेंगे कोई भी एक क्वेश्चन छूट जाएगा और वो क्वेश्चन में भी आपको मिल सकता है एग्जाम में। तो बाद में सोचने से अच्छा है कि अभी आप पूरी वीडियो देखें, पूरे एमसीक्यूज देखें। ज़्यादा नहीं है, 25 से 30 एमसीक्यूज होंगे, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो शुरू होने से पहले बताया कि ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं विगत वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। तो अशुद्ध वर्तनी का चयन करना हमने पहले क्वेश्चन में, तो अगर आप सभी शब्दों को देखें तो इसमें केवल ऑप्शन डी गलत है, हस्ताक्षेप नहीं होना चाहिए, हस्तक्षेप होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फूल का पर्यायवाची चिन्ह कौन सा होगा। यहाँ पर देखिए UPSC में पूछा गया है ये आबकारी सिपाही में 2016 में, फूल का पर्यायवाची मुकुल निकुंज तुषार प्रसून। तो इसमें से ध्यान से देखेंगे केवल प्रसून ही फूल का पर्यायवाची है, बाकी अलग अलग चीज़ों के पर्यायवाची है। अगले देखिए, सुषुप्ति का विलोम शब्द क्या होगा। तो सुषुप्ति का विलोम शब्द होगा जागृति, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अगर ध्यान से देखेंगे त्रिभुज दशानन नवरात्र त्रिलोक, तो इसमें अगर ध्यान से देखते हैं आप तो दशानन में बहुव्रीहि समास है, दस हैं सिर जिसके, किसके थे दस सिर, रावण के थे, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास को मैंने आपको हिंदी डिस्क्रिप्टिव में अच्छी तरह बताया है, जब तीसरा अर्थ आता है तो वहाँ पे होता है, ठीक है, बहुव्रीहि समास। कुंडलिया छंद किन दो छंदों से मिलकर बनता है, ये देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कुंडलिया छंद, अभी हमने छंद स्टार्ट नहीं किया है, डिस्क्रिप्टिव जब करेंगे तब समझ में आएगा, लेकिन आप जान लीजिए कुंडलिया छंद होता है मिक्सअप किसका, दोहा और रोला छंद का, ऑप्शन बी इसमें सही आंसर है। कपाट का तद्भव शब्द क्या होगा, तो कपाट का तद्भव शब्द होगा किवाड़। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है, तो अंधेर नगरी चौपट राजा आपने सुना होगा, एक बड़ी अच्छी कृति थी। अंधेर नगरी का अर्थ होता है, देखिए जो ऑप्शन दिए हैं इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, अन्याय की जगह जहाँ पे कोई किसी की ना सुने, जहाँ पे मतलब राज प्रशासन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो, ऐसी जगह कहलाता है अंधेर नगरी, ठीक है। आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर होगा लोक विशेष से संबंधित होती हैं आंचलिक रचनाएं। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मे बी रिपीट हो सकता है आने वाले एग्जाम में। तो हिंदी भाषा का पहला प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है पृथ्वीराज रासो। अब आप कमेंट करके बताएंगे किसने इसकी रचना की। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदी साहित्य काल का विभाजन नहीं है, भक्ति काल, रीति काल, संयुक्त काल या आधुनिक काल। तो इसमें आपने, मैंने आपको पढ़ाया है हिंदी साहित्य का इतिहास, तो साफ पता चल रहा है संयुक्त काल नहीं है, बाकी सभी हैं हिंदी साहित्य के काल। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा छंद प्रकार का नहीं है, चौपाई, दोहा, सोलठा या दृष्टांत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी दृष्टांत, बाकी सभी छंद हैं। जुगुप्सा का स्थायी भाव किस रस से संबंधित है, तो रसों को आप प्लीज़ एक बार पढ़ लें, सभी रसों के स्थायी भाव भी याद कर लें, कोई भी रस पूछा जा सकता है। जुगुप्सा जो होता है वो होता है किसका, विभत्स रस का, ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है इसमें। अगला देखिए, उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है, तो अलंकार मैंने आपको अच्छे से बता दिया, अलंकार के प्रकार अच्छे से बता दिए कितने प्रकार के होते हैं। उपमा अलंकार होता है किसका, अर्थालंकार का उपभेद, ठीक है, ऑप्शन सी। जो बनावटी हो इसके लिए एक वाक्यांश क्या होगा, तो बनावटी चीज़ कहलाती है कृत्रिम, ठीक है, और जो नेचुरली हो प्राकृतिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कृत्रिम, जो बनावटी हो आर्टिफिशियल। हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है, तो इसमें कौन सा होगा, देखिए हिमालय से गंगा निकल रही है लेकिन क्या हो रहा है, अलगाव हो जा रहा है, ठीक है, निकलने के बाद आगे निकल जा रही हो, अलग हो रही है ना हिमालय से, तो यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, अपादान, ठीक है, अलग होने वाला से है। योगाभ्यास में कौन सी संधि है, तो योगाभ्यास में है दीर्घ संधि, योगधन अभ्यास दीर्घ संधि। अगला देखिए, निम्न शब्दों में से किस वर्तनी की शब्द शुद्ध है, ठीक है, तो कौन सा वर्तनी शुद्ध है इसमें से, ध्यान से अगर आप देखेंगे ऑप्शंस को तो इसमें होगा ऑप्शन डी, केवल अतिथि इसमें शुद्ध है, बाकी अशुद्ध हैं सभी, निरल, उज्ज्वल, पारिवारिक, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, अविकारी शब्द क्या होता है, तो अविकारी, विकारी,
मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, एकार्थी अनेकार्थी योग शब्द योग रूढ़ यौगिक सब पढ़ चुके हैं हम, ये आप डिस्क्रिप्शन सेशन में देख सकते हैं हिंदी वाली प्लेलिस्ट में। तो इसमें अगर ध्यान से देखें अविकारी शब्द क्या होता है, ठीक है, तो अविकारी शब्द हमेशा होता है अव्यय, ऑप्शन सी होगा इसमें। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को कहा जाता है संधि, और दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को कहा जाता है समास। इसमें कन्फ्यूज होता है, ध्यान रखेंगे। सत्याग्रह का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो सत्य के लिए किया गया आग्रह ही कहलाता है सत्याग्रह, तो सत्य के लिए किया गया आग्रह ऑप्शन डी हो जाएगा। मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग होता है, तो मिठास में कौन सा प्रत्यय लगा है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक है, मीठा धन आस मिठास, ऑप्शन सी होगा। अगला देखिए, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या है, तो अक्ल का दुश्मन सिंपल मुहावरा है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी महामूर्ख। खग जाने खग की भाषा लोकोक्ति का उचित अर्थ नीचे दी गई विकल्पों में से बताना है आपने, तो खग खग मतलब चिड़िया, चिड़िया ही जाने चिड़िया की भाषा, तो ये सिंपली हो गया ऑप्शन डी होना चाहिए इसका। समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को ही सराहाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कल्पवृक्ष का पर्यायवाची क्या होगा, तो कल्पवृक्ष का पर्यायवाची पारिजात कल्पतरु देववृक्ष ये सभी, तो इसमें होना चाहिए ये सभी, ठीक है, देववृक्ष भी बोला जाता है कल्पवृक्ष को। किस रस को रसराज कहा जाता है, तो रसराज से किसको संबोधित किया जाता है, ऑप्शन सी श्रृंगार रस को ही बोला जाता है, रसराज रसों का राजा, ठीक है, श्रृंगार रस को बोला जाता है जिसका स्थायी भाव रति है, रति या प्रेम। गवैया शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा, ये महत्वपूर्ण है, देखिए गवैया, तो गवैया में कौन सा होगा, गवैया में होगा ऑप्शन बी अय्या प्रत्यय होगा, ठीक है, अय्या प्रत्यय ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है, भौंरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है, इसमें सारंग तो नहीं होता है, केकी भी नहीं होते हैं, पादप और सिलीमुख में से बचता है, देखिए एलिमिनेशन भी सीखिए आप, तो इसका आंसर है सही सिलीमुख, ठीक है, भौंरे का पर्यायवाची होता है सिलीमुख। देखिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ फ्रेंड्स, अगर जीएस के क्वेश्चन हो, हिंदी के एमसीक्यूज हो या उत्तराखंड का एमसीक्यूज हो, एलिमिनेशन सीखिए आप, जैसे आपको जैसे कोई एक क्वेश्चन आ गया उसमें आपको आंसर नहीं आ रहा उस क्वेश्चन का, तो ऑप्शंस पे जाइए, उन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन की तुलना कीजिए, क्वेश्चन आंसर को ऑप्शंस को डिलीट कीजिए, आपकी जो तुक्का मारने की प्रायोरिटी है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये थे आज के हिंदी एमसीक्यूज, महत्वपूर्ण हो सकते हैं, अच्छे से इनको नोट डाउन कीजिए, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।